आई एम गार्डनिंग विद ललिता भंडारी। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है। अगर चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो आप सभी इस प्लांट से वाकिफ होंगे, आप सभी को इस प्लांट्स के बारे में पता होगा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो प्लांट्स आपको दिख रहे हैं गुलदाउदी के, अपकमिंग विंटर्स में बहुत सुंदर इसमें भर भर के फ्लावरिंग्स होती है। और मैंने एक भी प्लांट कई सालों से नहीं ख़रीदा है, तो आपको बताना चाहूँगी कि ये मैंने सब कटिंग के थ्रू ग्रो किए थे। तो देखिए कितनी अच्छी कटिंग हो गई है, कटिंग ग्रो हो गई है, क्योंकि बारिशें पड़ी तो बारिशों के पानी से ये बहुत अच्छे हो गए। और मैंने एक नहीं, 13 या 14 प्लांट्स इसके रेडी कर लिए हैं और ऐसी सब बुशी हो चुके हैं। क्योंकि देखिए कटिंग मैंने किस तरह से लगाई, एक कटिंग मैंने नहीं लगाई, मैंने एक पॉट में कई सारी की कटिंगें लगा दी, ऐसे छोटी छोटी, ये देखिए ये, और ऐसे करके एक पॉट में मैंने 6-6 7-7 कटिंग लगाई, तो इस तरह से ये बुशी प्लांट बन गया। और इनमें जब फ्लावरिंग आएगी तो ये देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं, बहुत अच्छे लगेंगे। और इनको पहले मैंने कुछ दिन शेड में रखा, क्योंकि हमारे यहाँ पहले बहुत गर्मी भी पड़ी, और मैंने इनको जुलाई में ही लगा दिया था। तो देखिए अब अगस्त का, आज है 31 अगस्त, लास्ट डे है, अगस्त ख़त्म हो चुका है, सितंबर आने वाला है कल से। तो देखिए ये प्लांट्स मेरे कितने अच्छे तरीके से ग्रो हो गए, क्योंकि बारिशें भी पड़ गई और इनको मन मुताबिक माहौल मिल गया। तो देखिए कितने सुंदर देखिए हो गए हैं, और इनमें बहुत अच्छी तरीके से अब फ्लावरिंग आएगी। तो मैंने बहुत सारे प्लांट्स रेडी करे, मैं आपको अभी दिखाऊंगी और भी कि किस तरह से मेरी कटिंग्स बहुत अच्छी तरीके से चल गई। तो देखिए कितने बुशी हो गए हैं, और मैंने एक, ये जो मेरे पास एक फ्लावर्स था उससे मैंने ये सब डिवाइड करे, और कुछ मैंने ग्रो बैग्स जो मैं वेस्ट आते हैं कट्टे हमारे आटे चावल के, उसमें भी सॉइल भर के ये सब कटिंग्स मैंने लगा दी, उनमें भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो गई। ये देखिए, तो देखिए कितना बुशी हो चुका है, ये देखिए दूर से भी दिखाती हूँ मैं जूम करके, ये देखिए पास से भी दिखाती हूँ आपको, ग्रोथ सबकी बहुत बढ़िया है। तो इस तरह से आप गुलदाउदी की कटिंग लगा सकते हैं, अभी भी लगा सकते हैं। तो और अब छोटी छोटी कटिंग्स लेके देखिए, जिस तरह से कटिंग्स लेके आप लगा सकते हैं, और आपको गुलदाउदी के फ्री में एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स रेडी हो जाएंगे। तो देखिए गुलदाउदी एक ऐसा पौधा है कि जो कि आराम से लगने वाला, कुल्लू शेवंती भी कहते हैं इसको, तो ये आराम से लगने वाला पौधा है, और हमारे घर में ये रौनक बढ़ा देता है। विंटर्स में जब फ्लावरिंग का टाइम आता है तो बहुत खूबसूरत लगते हैं, और बहुत सारे सुंदर सुंदर कलर्स में गुलदाउदी की पौधा आती है। तो एक पौधा आप लेने जाएंगे तो 100-150 रुपए से कम नहीं मिलता है, नर्सरी में बहुत महंगा मिलता है। तो इस तरह से आप फ्री के बहुत सारे प्लांट्स रेडी कर सकते हैं अपने आप ही, अपने टेरेस गार्डन में, बालकनी गार्डन के लिए, अगर आपके यहाँ प्रॉपर सनलाइट आती है। और इसको कहाँ प्लेस करना है, हमें विंटर्स में प्रॉपर इसको धूप में प्लेस करना है। अब तो मैंने इनको एकदम डायरेक्ट सनलाइट में रखा हुआ है, शेड में नहीं रखा है, क्योंकि इनकी देखिए ग्रोथ बहुत बढ़िया हो गई, तो अब ये डायरेक्ट मेरे सनलाइट में ही पड़े रहते हैं दिन भर। तो इस तरह से, और फर्टिलाइज मैं इनको अभी नहीं करूँगी, इनको मैं अक्टूबर में फर्टिलाइज़ करूँगी, जिस तरह से मैं और पौधों को करती हूँ, वही मैं अपना सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र, प्याज के छिलकों का, आलू के छिलकों का ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देती हूँ, और कोई भी और मैं ऐसे फर्टिलाइज़र और कुछ नहीं देती, फुली ऑर्गेनिक, अपने सब्जियों में, अपने फूलों में, फूल के पौधों में, सब में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देती हूँ। देखिए कितना हेल्दी हो चुका है। इस तरह से आप गुलदाउदी की कटिंग लगा सकते हैं, और अभी भी लगा सकते हैं, क्योंकि अभी भी देखिए थोड़ा बहुत मॉइस्चर है वातावरण में, तो जब तक नमी है तब तक तो आपके जो ये पौधे हैं बहुत अच्छी तरीके से सब लग जाएंगे, कटिंग्स भी लग जाएगी। तो देखिए, तो एक पौधे से बहुत सारे पौधे मैंने तैयार करे, आपको अभी और पौधे भी दिखाती हूँ। कौन, ये देखिए ये सब कटिंग्स ही हैं, देखिए कितने सारे हैं। अब इनको भी मैं धूप में प्लेस करूँगी, अभी इधर शेड में रखे हुए थे, ये देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है, ये देख सकते हैं आप, ये सब मेरे गुलदाउदी के हैं, ये देखिए। तो इस तरह से आप गुलदाउदी की कटिंग लगा सकते हैं अपने टेरेस गार्डन के लिए, अपने बालकनी गार्डन के, इनको रेडी कर सकते हैं अभी भी। ये देखिए कुछ कटिंग्स मैं आज फिर लगाऊंगी शाम को। तो ये बहुत सारे मेरे फ्री के प्लांट्स रेडी हो चुके हैं। तो आज का टॉपिक था मेरा गुलदाउदी। अगर कुछ भी वीडियो में आपको अच्छा लगा हो तो अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, और आप बिगनर्स हैं तो आप बिगनर्स भी लगा सकते हैं। यहाँ से देखिए, ये देखिए ये वाला सिरा लेना है, इसको कट करके बस सॉइल में लगा देना आपको, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। और जो ऊपर की लीव्स हैं उसको तोड़ लेना है।
तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और एक नई जानकारी से। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक्स फॉर सपोर्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।